किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आए अंतर्राष्ट्रीय किसान मेला जो कि मोहाली में है, पंजाब में। और आज आपको इस वीडियो में जो मोहाली में कृषि अंतर्राष्ट्रीय किसान मेला भर रहा है, आज इस वीडियो में आपको पूरा दिखाया जाएगा, तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर गेट की एंट्री कर ली है और अब आपको पूरा मेला दिखाया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है अपना। किसान भाइयों, अब हम इसमें अंदर आ चुके हैं, अब यहाँ से आपको एंट्री करनी है। और इस मेले के अंदर जो विदेश से आए हुए जो हमारे कृषि मशीनरी है, बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, वे सभी आए हुए हैं। बड़ी बड़ी हार्वेस्टर मशीन, नई नई जो आधुनिक कृषि मशीन है, वे सभी इस मेले में आपको देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है कंबाइन मशीन जो कि बड़ी हार्वेस्टर मशीन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गेहूँ, धान, चना, सरसों की हार्वेस्टिंग का कार्य करती है। और इधर से एकदम आपकी फिर गेट में एंट्री होती है इस मेले में। इस मेले में आपकी जैसे एंट्री होगी, आपको यहाँ से ये आपको जो ये पहला जो कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर अलग तरह के कृषि यंत्र है, इधर आपको अलग तरह के मिलेंगे जैसे कि आप देखते हैं। और अब हम इसके अंदर चलते हैं और ये देखें, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जो विदेशी से आए हुए ट्रैक्टर हैं। यहाँ पर ये विदेश से आए हुए ट्रैक्टर हैं, बड़े से बड़े, छोटा सा छोटे ट्रैक्टर। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये विदेश से आए हुए जो भाई लोग हैं इस ट्रैक्टर की कंपनी के, तो वो भी आपको मिलेगी देखने को। ये देखिए यहाँ पर ये बैठे हैं लगातार 3-4 कट्ठे। और यहाँ पर फिर आपको ट्रैक्टर देखने को मिल जाता है, इनकी सबसे छोटी रोटावेटर है ये, जो कि 13 HP की है। और इसी के साथ फिर आपको यहाँ पर ये देखिए बेलूर कंपनी जो पहले भारत में थी, उस कंपनी के ट्रैक्टर आपको देखने के मिलेंगे। ये देखिए बड़े से बड़े ट्रैक्टर, ये देखिए आप देख, ये बड़े ट्रैक्टर हैं यहाँ पर इनके। और इधर ये 4 ट्रैक्टर लाइन में एक साथ लगे हुए हैं, इनको देख सकते हैं आप। तो इन्हें यहाँ पर आपको सबसे पहले ट्रैक्टर देखने को मिल जाते हैं। और इसके बाद मैं आगे चलता हूँ तो बड़ी बड़ी कंबाइंडर मशीन है जो ट्रैक्टरों पे के ऊपर फिट करी गई हुई है। आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए किसान भाइयों, ये जैसे कि प्रीत का ट्रैक्टर है, उसके साथ ही है सतनाम की ये कंबाइन मशीन है। अब आपको एक ही ट्रैक्टर से दोनों काम हो जाएंगे, कंबाइन भी चल जाएगी और आपका खेती में भी इस ट्रैक्टर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए ये देख सकते हैं आप। फिर इसकी यहाँ पर ये टूड़ा बनाने की मशीन आ गई है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये थ्रेसर मशीन है जिसमें आप अपने धान की या मूंगफली की, गेहूं की हार्वेस्टिंग का कार्य कर सकते हैं। फिर इधर आप देख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए कंबाइंड मशीन यहाँ पर रखी हुई है, उसके ऊपर जोनडेर का 5450 HP का ट्रैक्टर है। ये दोनों काम आपका इसी ट्रैक्टर से हो जाएगा। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको फिर एक कंबाइंड मशीन मिलेगी, उसके बाद फिर आपको एक कंबाइंड मशीन मिलेगी। इधर खाने का हॉल बना हुआ है और ये देखिए इधर यहाँ जगजीत कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं एग्री मशीनरी में, सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर जैसे कि टूड़ा बनाने की मशीन है, ये हमारा सुपर सीडर जो आज धान की जो पुलारे जलाते हैं उन्हें, उसको जलाने की बजाय आप इससे ही जुताई कर सकते हैं और साथ के साथ में आप बिजाई भी कर सकते हैं। सुपर सीडर आपको मिल जाता है, लेजर लैंड लेवलर मिल जाता है। और इधर आपको देखिए 15 टन का, जो 15 टन का और वो भी सोकर वाला आपको इसमें मिल जाता है। ये जैक वाला MB कल्टीवेटर आपको यहाँ मिलेगा, ये कल्टीवेटर आप देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप बात करें तो ये देखिए जो कि लगभग 10-10 की हैरो है, इसमें आगे कट लगे हुए हैं, यहाँ पर आपको ये मिल रही है हैरो, उसके बाद प्लेन तो के साथ मिल जाती है। ये देखिए जैक लगा हुआ है इसमें ऑपरेटेड, यहाँ पर आपको इसमें अलग से, यहाँ पर आप ट्रैक्टर पर चला सकते हैं। लगभग आपका जो 60 HP का ट्रैक्टर है इस हैरो को चलाएगा, तो आपको यहाँ पर ये हैरो भी देखने को मिलेगी इसी के साथ। अगर आप नए नए और कृषि इससे बड़े अगर आप देखना चाहते हैं, आपको ये देखिए 3-3 का इसमें MB पुलाव भी आपको यहाँ पर मिलेगा, ये MB पुलाव आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसी के साथ फिर आपका ये आ गया है सुपर सीडर। तो ऐसे ही हर कंपनी के अपने अपने जितने भी उनके प्रोडक्ट हैं नए नए एग्री मशीन में, सभी यहाँ पर लगे हुए हैं, स्टॉल सभी की लगी हुई है। फिर इधर आपको यही हैप्पी सीडर कंप्यूटर करा, आपको फिर रोटावेटर मिल जाती है। इधर जैसे कि ये देखिए बीज की बिजाई करने की मशीन आपको यहाँ पर मिलेगी सर, और ये फिर आपको यही मशीन मिलेगी आपको, ये टूड़ा बनाने की मशीन है। अगर आप किसान भाई को वाटर प्रूफ ग्रीस चाहिए, जो ट्रैक्टरों में या ट्रॉली में जहाँ पे भी JCB में इस्तेमाल होता है, तो उसका स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है। और इसी के साथ जो आज के समय में जिसे बोलते हैं हम, जो धान के पुरालों का या बंडल बनाकर भी बेच सकते हैं, ये देखिए ये मैसी फर्गुसन की आपको मशीन आधुनिक मिल जाती है। इसकी कीमत 12 लाख रुपये है, इसकी कीमत की बात करूँ ये भी 12 लाख रुपए की है। इससे फूस जो हमारे पत्तियाँ होती है या धान के पुरालों का घोल बना देती है ये। और ये देखिए आप, ये विदेश से आई हुई कंबाइंड मशीन है, ये कितनी बड़ी कंबाइंड मशीन है आप देखिए, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी।
इनके सभी की पूरी जानकारी जो यहाँ पर स्टॉल पर बैठे हुए हैं, मैं पूरी जानकारी दे रहे हैं, वीडियो में आप बना सकते हैं, यहाँ पर इस मेले को देख सकते हैं। और ये पूरा मेला इस तरीके से यहाँ पर भरा हुआ है किसान भाई। इसी के साथ अब हम हॉल में अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, हॉल में हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर लेजर लैंड लेवलर मशीन मिलेगी आपको, फिर यहाँ पर आपको जो स्पेयर पार्ट होते हैं ट्रैक्टरों के या आपके जितने भी टूल्स होते हैं उन सभी के आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। पी सीडर या गन्ने की जुताई करने के लिए जो रोटावेटर होता है, साथ में रोटावेटर भी चलता है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये देख सकते हैं आप, या गन्ने में भी जो खरपतवार हो जाते हैं उसकी जुताई करने में ये 28 इंच या 30 इंच पर जो गन्ना बोते हैं उसमें यहाँ पर ये मशीन आपकी चल जाती है। फिर ये सुपर सीडर आ जाता है, ये रोटावेटर है जो कि 10 फुटी रोटावेटर है। चारा काटने की चाफ कटर मशीन होती है, इधर आपको स्टॉल में साइड में लगी हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारा काटने की मशीन भी है। तो यानी कि सभी तरह की मशीनें, जो डबल रोटावेटर, एक तो सिंपल रोटावेटर है, एक डबल रोटावेटर, ये डबल उसमें चलती है, ये भी हमारे यहाँ पर रोटावेटर है। फिर देख सकते हैं आप 10 फीट की रोटावेटर आपको मिलेगी। चाप कटर देखिए, काफ़ी अच्छी चाप कटर है। अगर आपको ट्रॉली में अपना चारा भरना है तो लगाए सीधा ट्रॉली में ही आपका चारा आ जाएगा, वो भी चाप कटर आपको यहाँ पर देखने में मिलेगी। फिर ये गोल्डन पंजाब वालों की टूड़ा बनाने की मशीन आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसी के साथ गोल्डन पंजाब वालों की आप थ्रेशर मशीन देख सकते हैं, मल्टी क्रॉस थ्रेशर मशीन भी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो कहने की बात है, इस मेले के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय जो किसान मेला है ये, इसके अंदर सभी जितने भी विदेशों या जितने भी बड़े एग्री मशीनरी हैं हमारी, वो सभी आपको यहाँ पर देखने को आसानी से मिल जाती है। तो किसान भाइयों ये देखिए, तो किसान भाइयों अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको खेती संबंधी नई नई जानकारी हमारे इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। आपको इससे अलग अगर कोई भी जानकारी जाननी है जिसे आप जानना चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप अपने फार्म पे या आप कोई जो भी आप बिजनेस करते हैं किसी चीज़ पर अगर आप वीडियो भी बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी, आप हमें मेल कर भी आप अपने यहाँ पर बुला सकते हैं, हम आपके यहाँ पर भी वीडियो बनाने के लिए आएंगे। तो किसान भाइयों जैसे कि मैंने बताया, ये तो मैंने पूरा हॉल आपको दिखा दिया, अब मैं चलता हूँ बाहर की साइड। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप अंत तक ज़रूर देखना, वीडियो में काफ़ी मज़ा आपको आने वाला है। और किसान भाइयों आप देख सकते हैं, ये खेती दुनिया यूट्यूब चैनल से आए हुए हैं हमारे भाई साहब, यहाँ पर अनुज जी, और ये देखे छोटे भाई साहब ये रहे, क्योंकि खेती दुनिया का यूट्यूब चैनल है, तो आप उस चैनल को भी ज़रूर देखें, साथ ही उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये भी अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो बना रहे हैं। तो सर जैसे कि आप इस मेले में आए, आपको कैसा लगा? मेला काफ़ी अच्छा है, किसान भाइयों के लिए बहुत सारी चीज़ें इस मेले में जी, जिससे वो अपनी खेती बहुत आसानी से कर सकता है। जो किसान भाई अपनी खेती से बहुत सारी मेहनत करता था, अब वो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आ चुके हैं जिससे वो आसानी से अपनी खेती को आसान बना सकता है। यानी किसान भाई को इस मेले में आना चाहिए, उनके लिए आधुनिक कृषि यंत्र है। इस मेले में इतने सारे कृषि यंत्र हैं कि किसान भाई अगर उस कृषि यंत्रों को देखेगा तो उसे जरूर एहसास होगा कि यार ये चीज़ें मेरे पास होनी जरूरी है। धन्यवाद सर। तो सर आप बताइए, आपको कैसा लगा ये मेला? बहुत अच्छा, काफ़ी मेला है, बहुत अच्छा है, किसानों को यह मेला देखना चाहिए, काफ़ी कुछ नॉलेज मिलती है इस मेले से, काफ़ी सारे यंत्र हैं जो कि किसानों के काम आएंगे। तो सर जैसे कि आप इस मेले में आया तो आप कैसे आए, मतलब आपको कैसे पता लगा इस मेले के बारे में? हमारे सर एक खेती किसान वाले हैं, उन्होंने कल हमें बताया जी, तो हमने एकदम ही प्लान बनाया, फिर हम एकदम वहाँ से आ गए। तो आपको मेला कैसे लगा ये? फिर बहुत बढ़िया। धन्यवाद भाई। अब हम आ चुके हैं मेले के दूसरे पार्ट पर, जहाँ पर अलग अलग तरह के कृषि यंत्र है, जैसे कि आपको यहाँ में देखिए, जैसे आपको कलर कराना हो या जो भी प्लास्टिक बोर्ड इस तरीके से कराना हो उसका स्टॉल ये लगा हुआ है। ये काफ़ी सुंदर स्कूटर है, आप देख सकते, इस पर बैठ के फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं। और जैसे ही आप इधर आएंगे, JCBL के आपको यहाँ पर जो कृषि यंत्र हैं मैं आपको देखने को मिलते हैं। इसी के साथ जो आप आगे चलेंगे तो आपको कंबाइंडर मशीन मिल जाएगी, ये देखिए, ये यहाँ पर आपको सिमरन की 776 कंबाइंडर मशीन आपको देखने को मिलेगी। और फिर आपको यहाँ पर हार्वेस्टर मशीन ये देखिए आपको मिल जाता है। इधर आपको लैंड फोर्स, जो कि भारत की नामी सबसे माने हुई कंपनी है लैंड फोर्स, लैंड फोर्स के जितने भी एग्री मशीन हैं आपको मैं यहाँ पर नए से नए अच्छे बड़े से बड़े वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए जैसे कि ये है MB पुलाव, रोटावेटर, हैप्पी सीडर और लेजर लैंड लेवलर। और इधर ये प्रीत कंपनी की जो कंबाइंड मशीन है, बहुत बड़ी कंबाइंड मशीन है, कम से कम होगी 38 लाख रुपए के आसपास इसका रेट होगा, और 28-25 इतने रेंज में यहाँ पर कंबाइंडर मशीन है। प्री ट्रैक्टर मिल जाएंगे आपको यहाँ पर देखने को। और इसी के साथ आपको जो दूसरी भारत में मानी मानी कंपनी है, जैसे कि
शक्तिमान के यहाँ को बेलर मिल जाएगा। शक्तिमान का बेलर भी यहाँ पर है जो, और हैप्पी सीडर है, मक्का की बिजाई करने की मशीन है, रोटावेटर है, और फिर इधर देखिए आपको इधर भी रोटी वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। ये देखिए आपको, तो ये सभी आपको मिलेंगे। यहाँ पर आलू लगाने की जो आलू बोने की मशीन होती है वो भी शक्तिमान के आपको यहाँ देखने को मिलती है। और इधर यहाँ पर फार्म ट्रैक का ये यहाँ पर ये देख सकते हैं, पूरा फार्म ट्रैक का यहाँ पर ये लगा हुआ है। जितने फार्म ट्रैक के एग्री मशीन हैं उन सभी को आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो ये देखिए हैप्पी सीडर, रोटावेटर, ट्रैक्टर, और ये छोमिनी ट्रैक्टर पर आप देख लोडर लगा सकते हैं। तो ये सभी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इधर ये आलू बोने की, धान लगाने की मशीन। फिर हम दूसरे स्टॉल में आ जाते हैं जैसे कि अंदर, और ये देखिए यहाँ पर आपको मिल जाती है रोटावेटर मिल जाएगी आपको, और ये फिर आपको मशीन मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, लाइक से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ आपको मिलते हैं। तब तक के लिए जय जवाहर, जय किसान।